नहर दे विच्चों एक बैंक मैनेजर की लाश मिली है। तो मौके दियां ये तस्वीरां ने जिथे कि प्रशासन के वलों गड्डी समेत इस मैनेजर की लाश नूं भी बाहर कढ़िया जांदा है। तो तुहानूं दस दईए कि यह रात के समय अपने सत दोस्तों के नाल पार्टी करन आया सी, जिस तों बाद लगातार गुमशुदा चल रहा सी, कोई भी इसकी खबर नहीं मिली सी। तो प्रशासन के वलों लगातार इसनूं लब्भन दे लई कोशिशां कीतियां जा रही सी, जिस तों बाद इसकी लाश है जिहड़ी उह पानी दे विच मिलदी है। तो गड्डी समेत इसनूं बाहर कढ़िया जांदा है। तो परिवार का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। तो दस दईए कि मामला मुक्तसर तो सामने आया है, जिथे एक बैंक मैनेजर जो कि गायब चल रहा सी। तो पत्नी ने इस संबंधी सूचना पुलिस नूं दित्ती। तो पुलिस दे वल्लों भी तुरंत छानबीन शुरू कर दित्ती जांदी है। तो पता लगता है कि वह अपने सत दोस्तों के नाल नहर के कंडे पार्टी करन आया सी, जिस तों बाद ये मौके तो चला गया ते फिर घर नहीं पहुँचता। तो पुलिस दे वल्लों नहर के नज़दीक इसनूं लभण की कोशिश की गई। तो मौके पर NDRF की टीम बुलाई गई ते कई गोताखोर भी बुलाए गए, जिन्हां दे वल्लों चलदे पानी दे विच इसकी गड्डी नूं ट्रेस किया गया। जिस तों बाद जद ये गड्डी बाहर कढ़ी गई तो अंदर ही इस मैनेजर की लाश मिल जाती है, जिस तों बाद परिवार का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। तो पुलिस दे वल्लों हुण पूरे मामले की जांच की जा रही है कि किस तरीके दे नाल ये हादसा होया या फिर यह मर्डर है। तो पूरे इस मामले नूं हुण पुलिस बरीके दे नाल जांच कर रही है। वो जो हैगा परसों रात तो गायब है तो मिल नहीं रहा, तो जदों उहदे वेयर अबाउट्स के बारे पता किया तो ये पता लगे कि अपने वो सात दोस्तों के नाल बुलरां दी नहर ते आया सी। राती सारे इकट्ठे होके दो तीन घंटे इत्थे बैठे सी। उस तों बाद जो सात बंदे सीगे वो मूव कर गए ते सिमरन कहिंदा सी मैं घर चलिया, बट वो घर पहुँचे नहीं। अगले दिन सवेरे जो उन्हां दी वाइफ है उन्हां नूं ये टेंशन हुई कि लड़का कित्थे गया। उन्होंने जदों सातों बंदे नाल कॉन्टैक्ट किया तो गल सामने आई कि किसी ने उन्हें देखा नहीं है, वो साडे कोल आए पुलिस के कोल। तो पुलिस कोल आने तो बाद असी सारे बंदे नूं बुला के एक बारी डिटेल विच वेरीफाई किया कि हैगा। तो लास्ट प्लेस जो कि जिथे असी खड़े हैं इतने साड़ी टीम्स आई। टीम्स के आने तो बाद असी देखिया कई स्किड मार्क्स के निशान सानू नज़र आए, कुछ सानू ईटा नज़र आईया जो उखड़ी हुई सी। तो साडा उतो एक अजम्पशन स्टार्ट होया कि हो सकता है जो गड्डी हैगी नहर दे विच डिगी हो। उस तो बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिदे विच NDRF की टीम नू बुलाया गया ते नाल प्राइवेट गोताखोर जो है इन्हां नू बुलाया गया वक् वक् जगावां तो। आज सवेर तो सारी जो टीमां हैगियां लगी हुई हैं, फाइनली सानू इत्थे गड्डी भी लोकेट हो गई ते नाल जो अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट जो मुंडे दे नाल होया वह भी मिल गया। जो बॉडी हैगी लड़के की उहनू पोस्टमार्टम लई भेजता जा चुकिया, तो जो गड्डी हैगी फोरेंसिक टीम इत्थे आ रही है ये एसरटेन करन लई कि ये एक्सीडेंट सीगा या ये फाउल प्ले सी। जो भी कार्रवाई इहदे विच मेरिट ते बनूगी वो कीती भी जाऊगी। तो मैं अगेन स्पेशल मैनशन देना चाहना NDRF की टीम नू ते जो प्राइवेट गोताखोर सीगे एक सादिक एक हैप्पी एक रिंकू सागर और बंटी, इन सारे ने बहुत वधिया काम करके अपनी जान नू जोखिम में डाल के चलते पानी दे विचों गड्डी ट्रेस भी कीती है ते बाहर भी कढ़ी है। थैंक यू। पता लग्या भी जो फ्रेंड सी इन्हां दे नाल जो इत्थे आए ने नहीं जी, हरे तक कोई गलबात सामने नहीं आई है। जो सात फ्रेंड्स हैगे इन्हां दे बड़े पुराने फ्रेंड्स हैगे, ते इन्हां दे विचों जो एक शामी ये सेलिब्रेशन लई इकट्ठे हुए सी, बट कोई लड़ाई झगड़े वाली गल हले तक सामने नहीं आई है जिहदे नाल एक फाउल प्ले असी सस्पेक्ट कर सकीए। बट असी सारे एंगल फरो लांगे, हर चीज़ नूं ध्यान नाल देखिया जाएगा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उहनूं ध्यान नाल फरोल के ते फोरेंसिक जो गड्डी दी होनी है ओदे नाल करा के जो भी कार्रवाई बनती होएगी वो की जाएगी। सर पूरी जिला पुलिस दे विच तुसी गल्ले नहर दे विच उतरे हो NDRF दे नाल, इज दिस फर्स्ट एक्सपीरियंस और एनीथिंग एल्स? नहीं नहीं जी, मैं अकेला नहीं सीगा जी, मेरे नाल मेरे DSP सतनाम हैगे, SHO सदर हैगे हरप्रीत ते इंस्पेक्टर गुरविंदर इंचार्ज CIA, ते सारी की सारी जो टीम हैगी सारिया दा जॉइंट एफर्ट हैगा। ते इहदे नाल मैं यही कहना चाहना है कि जो पुलिस हैगी जी बड़ी एक्टिव हैगी ਤੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।